नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ खाली पेट लहसुन खाने के इतने अद्भुत फायदे कि आप हैरान हो जाएंगे। और इसका जिक्र मैंने नहीं बल्कि हमारे बहुत बड़े ऋषि मुनि बांगबर जी ने अपने अष्टांग हृदय में इसका जिक्र किया है कि लहसुन को खाली पेट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि इतनी सारी बीमारियां घर बैठे बैठे जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जमकर शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपकी बल्कि आपसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी को बहुत बेहतर बनाएगा। क्योंकि आजकल के समय में हम भागदौड़ किस लिए कर रहे हैं? अपने फ्यूचर के लिए। कि जब आपकी हेल्थ ही खराब रहेगी तो जो आप कमा रहे हैं ना आप खा पाएंगे ना आपके रिश्तेदार खा पाएंगे, तो उसका फायदा क्या? तो पहले खुद की हेल्थ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, उसके बाद हमें इस दुनिया में आगे भागदौड़ में शामिल होना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं, बस उसका सही इस्तेमाल जानना है और उसको यूज करना है। इससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारी लहसुन पे बनी आपने वीडियो ऑनलाइन देखी है कि लहसुन खाएं ऐसा हो जाएगा, लहसुन खाएं वैसा हो जाएगा, और उसको देखकर आप रोजाना लहसुन का सेवन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रोजाना के इस्तेमाल से उससे मिलने वाले बेनिफिट की जगह आपकी बॉडी में उसके नुकसान होने लगते हैं और भयंकर रोग पैदा होने लगते हैं। तो ऐसे किसी वीडियोस पे जाने से पहले अपनी जानकारी को प्रॉपर ज्ञान लें कि उसका सही तरीका क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन को खाना तो है लेकिन किस तरीके से खाना है और किस समय खाना है और किस बीमारी में आपको ये फायदा देने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले आजकल की सबसे बड़ी समस्या की तरफ, जो है हमारे जोड़ों का दर्द, मोटापा, मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों का फूलना, पेट का फूलना, गैस, एसिडिटी और साथ में यूरिक एसिड का और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये बीमारियां इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आजकल हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे में ये बीमारियां हमें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे शरीर में वात का प्रभाव गड़बड़ा चुका है। अगर हमारे वात का प्रभाव संतुलन रहेगा तो आपको ये सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आपकी जो दवाइयाँ चल रही थी वो बंद हो जाएंगी और साथ में आप एक जिंदगी भर निरोग जीवन जी पाएंगे। इसके लिए आपको लहसुन को कैसे इस्तेमाल करना है अब वो जान लीजिए। रोजाना सुबह खाली पेट आपको लहसुन की एक छोटी कली लेनी है। गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी कली है तो नुकसान नहीं करेगी। तो आपको उसको कूटना है, क्योंकि कूटने के बाद जो उसका रस निकलता है वो हमारे शरीर में से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर हमारे शरीर में जहाँ जहाँ फैट है उसको भी कट करता है बहुत बढ़िया तरीके से। ऊपर से आपने लेना है कोसा पानी, या तो आप इसको चबा कर ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर चबा नहीं पा रहे हैं तो एक चम्मच में वो कुटा हुआ लहसुन लेकर उसको निगल जाइए पानी के साथ, लेकिन कोसे पानी के साथ आपको निगलना है। और पूरा दिन आपको पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देनी है, और पानी आपको ठंडा नहीं बल्कि नॉर्मल पीना है। चाहे आप मटके में रख दीजिए, गर्मी आ चुकी है, एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी पियेंगे तो आपको जोड़ों का दर्द, पेट फूलना, ये सारी समस्याएं जिंदगी भर रहेंगी, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। हाई बीपी आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, लोग बहुत आसानी से हाई बीपी की गोली लेते हैं, रोजाना खाते हैं और जिंदगी को आराम से जीते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपको हाई बीपी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में खाना पच नहीं रहा बल्कि सड़ रहा है। सड़ क्यों रहा है? क्योंकि एक तो आप गलत खान पान ले रहे हैं और ऊपर से आपकी जो पाचन क्रिया है वो इतनी स्लो हो गई है कि आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। आपको सिर्फ मिलने वाले फायदे नहीं मिल पाते बल्कि वो आपके शरीर में सड़ने लगता है। और दूसरा बड़ा रीजन कि आप खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी पी लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी हाई बीपी की समस्या है तो आप समझ जाइए इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो आपको इसकी अपनी टर्म्स में बताएंगे कि LDL हो गया है, VLDL हो गया है। तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में बहुत सारी गड़बड़ी होने वाली है। तो अभी भी रोजाना उस गोली को खत्म करना चाहते हैं और जिंदगी भर निरोग रहना चाहते हैं तो इसी तरीके से लहसुन का, जैसे मैंने आपको बताया, सेवन शुरू कर दें। अगर आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो भी लहसुन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जानकर थोड़ा सा हैरान रह गए होंगे ना? जी हाँ, क्योंकि कई बार हमारे पेट में ऐसा एसिड बनता है जिससे हमें घबराहट होने लगती है, और ये एसिड अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आप लहसुन का सेवन करें। इससे आपका सर दर्द, आपकी टेंशन, प्रॉब्लम्स हो रही है, घबराहट हो रही है, वो सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। लहसुन में होता है एंटी बैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण जो आपके दांत के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो गोली खाने की जगह जो
हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो आपके दांत के दर्द को रोकती तो है लेकिन आपके शरीर में इतना बुरा असर डालती है कि आपको फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं, या तो आपकी स्किन पर पहले से एजिंग आ जाती है, आपके बाल झड़ जाते हैं, या आपको पेट फूलना, गैस की समस्या होने लगती है। तो कोई भी मेडिसिन जो है वो खाने से पहले आप लहसुन की कली को पीस कर दर्द वाली जगह पर लगा के देखें, आपका जो दांत का दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके नसों में जो झंझनाहट आ रही थी उसमें भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, वो बार बार बीमार पड़ता है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके मत जाइए, बल्कि आप लहसुन को पानी में डालकर उसको उबालिए और उसकी स्टीम बच्चे को दीजिए, जिससे कि आप खुद नोटिस करेंगे कि उसका जो जुकाम था, सर्दी खांसी थी, जो कफ बन रहा था, रेशा बन रहा था, वो दूर हो गया है। साथ में इसका एक और तरीका बताती हूँ कि लहसुन को कूट कर आप एक चम्मच शहद के साथ खुद खा लें, और अगर आपका बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उसका छोटा सा पार्ट लहसुन का कूटकर उसको शहद के साथ दे दें। इससे उसका बिल्कुल ही अंदर के जितना भी कफ था, कंजेशन था, वो सारा दूर हो जाएगा। अगर आप भी अपने दिल की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं जिंदगी भर आपका दिल जो है स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और अच्छे तरीके से काम करे, तो लहसुन को शहद के साथ लेना शुरू कर दें पूरे दिन में कभी भी। ये आपके खून को जमने नहीं देगा, और जब खून जमेगा नहीं, उसमें कचरा नहीं जमेगा, तो वो हमारे पूरी नसों तक अच्छे से पहुंच पाएगा, जिससे कि हमारा हार्ट जो है, दिल, वो स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मैंने बहुत ज्यादा हेल्प किया है इस वीडियो के थ्रू। तो बस आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों की हेल्प करना। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।